मैं वैष्णव प्रभु जी की तरफ से राधा दामोदर प्रभु का स्वागत करना चाहता हूँ, जो आज सीकिंग द रेमेडी फ्रॉम सीरीज ऋषियों से उपाय की याचना के टॉपिक पर लेक्चर देने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना गंवाते हुए मैं प्रभु जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपा कर जय राधा माधव से स्टार्ट करें। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, जय जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोद नंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय यशोद नंदन, जय ब्रज जन रंजन, जय यशोद नंदन ब्रज जन रंजन, यमुन तीरा वन चारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, यशोद नंदन ब्रज जन रंज, यशोद नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज असेंबल्ड देयर। कृष्णा भावनिक प्रोग्राम में असेंबल सबके लिए मेरा दंडवत प्रणाम। कृष्णा भावनामृत प्रोग्राम में खास फॉर माय स्पेशल ओबेसेंसेस टू वैष्णव सेवा प्रभु फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन भागवतम एंड ऑल द डिवोटीज ऑफ राजकोट फॉर डूइंग दिस वंडरफुल सेवा। जो इतना अच्छा कार्यक्रम को चला रहे हैं उनको सबको मेरा तरफ से नमस्कार। थैंक यू वेरी मच टू वन एंड ऑल। मैं किसी को जानता नहीं है फेस टू फेस, बट नो प्रॉब्लम, फ्रॉम माय कोर ऑफ माय हार्ट दंडवत टू ऑल द डिवोटीज जो ये प्रोग्राम में लगा हुआ है। ये क्लास अरेंज करना, इट्स नॉट ईजी टास्क, इट्स ए वंडरफुल थिंग ऑल आर डूइंग। ओके, सो विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1.1.10 श्रीमद् भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमते महा विष्णु स्वामी नित्य नामिने नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतरे श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर कृष्ण प्रायेणाल्पसु सभ्य कला अस्मिन् युग जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या उपाद्रिता प्रायेणाल्पसु सभ्य कला अस्मिन् युग जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या उपाद्रिता प्रायेणाल्पसु सभ्य कलौ अस्मिन् युग जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्या उपाद्रिता। ट्रांसलेशन इंग्लिश में है, ओ लर्नड वन, इन दिस आयरन एज ऑफ कली मेन हैव बट शॉर्ट लाइव्स, दे आर क्वारलसम, लेजी, मिसगाइडेड, अनलकी एंड अबव ऑल ऑलवेज डिस्टर्ब। तो प्रभु जन मात्र इसके एक श्लोक का पहला और एक श्लोक का बाद का भी ट्रांसलेशन ऐसे जस्ट विल सी what it is written. Translation hi padh raha hai iska pehle ka shloka, this is 1.1.9. Please therefore, being blessed with many years, explain to us in an easily understandable way what you have ascertained to be the absolute and ultimate good for the people in general. Ye 9th shloka hai, abhi main 11th bhi padh raha hai just for our this thing. There are many varieties of scripture, and in all of them, there are many prescribed duties which can be learned only after many, many years of study and in their various divisions. Therefore, O sage, please select the essence of all this scripture and explain it for a good for all living beings, that by such instruction, their heart may be fully satisfied. Yes. तो प्रभु जी इसका आगे का पीछे का भी आप श्लोक का देखेगा कितना सरल प्रश्न का ये पूछ रहे जो ऋषि लोग से कि हम लोग को इसका काफी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है जो करना है उसका हम लोग को आसान तरीका बताओ। जो काफी आजकल के लोग में देखेगा तो काफी कंफ्यूशन में डाल देता है आदमी लोग को, सब सबको डिवोटी तो डिवोटी साइड में लेकिन जो भी मिल गया वो बोलते ना इसको बकरा बना दो, तो उसको यही हाल रहता है कि बकरा बनाने के हिसाब से अपन को सबको दे टेक अस फॉर अ राइड, यू नो बड़ा बड़ा हाथ में जैसे ही जाएगा तो बड़ा बड़ा तावेज बांधेगा हाथ में, एक मीटर जितना बड़ा मीटर का तावेज होगा उतना बड़ा उन लोग बताते उसको इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया जाएगा। आप देखो आप असेंबली में जाएगा इंडिया का असेंबली में एक एक सब पॉलिटिशियन के हाथ में इतना बड़ा बड़ा धागा बांधा होगा इधर से लेके इधर इधर से जैसा 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 लंबा लंबा धागा भीगा। तो उन लोग को जस्ट दे डोंट नो कि उन लोग क्या सोचते कि टेम्पररी सोल्यूशन से ही आदमी का मुक्ति पाने का उन लोग देखते हैं, बस ये कैसा भी कर लो इस टाइम का ये पॉलिटिकल एरिने में अभी हम लोग बैठा हुआ है तो ये हम लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा, बस काफी बड़ा रिलीफ है उनके लिए। तो भागवतम अपन को कोई भी चीज ईजी सोल्यूशन अपने अपन को कुछ भी ईजी नहीं दिया है जो सोल्यूशन इससे इजी मिलेगा तुम इसमें से नहीं। इसमें लिखा है कि दुखालय में इधर अपन को एक ही चीज हमेशा भागवतम के हर कैंटो नंबर श्रीमद् भागवतम का फर्स्ट कैंटो से स्टार्ट होते 19 चैप्टर से आप देखेगा फर्स्ट कैंटो 19 चैप्टर फिफ्थ श्लोका नंबर से स्टार्ट होएगा ना जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे उधर से लेके 12th कैंटो तक आप जाएगा तो उसके ऊपर मृत्यु के ऊपर का ही आंसर दिया जाता है सब जगह। उधर प्रश्न जो पूछा था परीक्षित महाराज ने उसने दो प्रश्न पूछा था, एक था व्हाट वाज द टू क्वेश्चन वाज दैट वन हु कैन, उसमें पूछा था कि अनलॉयड ड्यूटी ऑफ एवरीवन इन सर्कमस्टेंस स्पेसिफिकली ऑफ दोस हु आर जस्ट अबाउट टू डाई, सब संदर्भ में उसका क्या को क्या हर सिचुएशन में वो क्या करना चाहिए। उसके अलावा और एक प्रश्न जो उन्होंने पूछा कि आदमी जो मरने वाला है जो उनका शरीर छोड़ के जाने वाला है उस टाइम वो क्या करना चाहिए। तो इसमें दोनों में जो प्रश्न था दो दैट वाज दिस वाज एट 2.1.15 में आप देखेगा तो उसमें आपको ये मिलेगा। ये जो प्रश्न पूछ रहा है 2.19.24 श्लोका नंबर 2.19.24 में प्रश्न पूछ रहा है, ये दो क्वेश्चन पूछ रहे परीक्षित महाराज।
कि एक तो अपना शरीर छोड़ के जाते टाइम वो क्या करना चाहिए और उसके अलावा हर समय में क्या करना चाहिए। तो वी विल उसका ही जो आंसर है, जो महर्षि सुखदेव गोस्वामी ये सब अपन को, शनुका मुनि ये सब अपन को यही आंसर अपन को देते कंटिन्यूसली वन आफ्टर द अदर। मैत्री मुनि जो भी दिया या जो भी प्रश्न पूछ रहा, इट इज ऑल रिलेटेड टू दिस ओनली दिस, अपन को इसके ऊपर ही मिलेगा। तो उसमें सबसे बड़ा आंसर जो पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेथ, जो अभी सी भागवतम इज व्हाट, इट इज ऑल एग्जाम्पल, अपन को एक से एक दे, इट इज मीन अपन को प्रिपेयर कर रहा है। अपन को कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं कि एक श्लोक पे एक प्रभुपाद ने उसके ऊपर बोला हुआ है, आचार्य ने बोला हुआ है, कि हमको कंफ्यूजन नहीं होने के लिए एवरी थिंग इज इन नटशेल। बोलते ना महाराज, बोलते ना कि तुम लोग भागवतम में भरी हो जाओ, भरी मीन्स अपने आप को भागवतम में समर्पण कर दो आप भागवतम के अंदर। तो ये जो समर्पण करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसके लिए We should be determined होना चाहिए। एक दिन एक दिन के लिए ये एक दिन का बिजनेस नहीं है कि आज पढ़ लिया भागवतम और अगला साल गुरु पूर्णिमा आने तक या व्यास पूजा आने तक अपन हाथ नहीं लगाएगा, ऐसा होने से कुछ फायदा नहीं। तो इसमें यही प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा कि एट ऑल सर्कमस्टेंस में क्या करना चाहिए 19:1-19:24। और दूसरा कि आदमी लोग जब उनका शरीर जब छोड़ के जाता है तो वो क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर भी आप देखेगा तो उसमें इसका ऊपर से बताया कि ये सबसे अच्छा प्रश्न था जो परीक्षित महाराज ने पूछा कि वो जो एक आदमी शरीर जब छोड़ के जाता है तो वो क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आंसर दिया गया था कि ऑल द टाइम ए पीपल विल बी लिविंग देयर बॉडी। इंसान अपना शरीर कोई भी परिस्थिति में छोड़ सकता है, या आज एनी टाइम आज छोड़ सकता है, या कल छोड़ सकता है, या 100 साल के बाद छोड़ सकता है, या 1000 साल के बाद, लेकिन उसको छोड़ना है। तो ये क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट कि तो उसको पता नहीं होगा वो कभी मरने वाला, अगर किसी को भी पता होता तो मरने वाला है, जैसे परीक्षित महाराज या कटवांग मुनि, दैट इज एन एग्जाम्पल। हम जैसे लोग को तो पता ही नहीं हम कभी, लेकिन एक्चुअली अपना शरीर तो ठीक हर पल का जो समय टिक टिक मार रहा है, अपना शरीर छोड़ने का एक माइनस हो रहा है अपन को, अपना जो शरीर छोड़ने का डिक्रीसिंग, अपना लाइफ एक माइनस एक लबे अपना समय कमती हो रहा है अपना अपना आयुष का। तो इधर जो बता रहे प्रायना अल्प सुसभ्य शॉर्ट लाइफ, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा, वो भी वंडरफुल आंसर दिया। तो लास्ट क्लास में मैंने जो एक हफ्ता पहला जो क्लास लिया था उसके ऊपर पूरा अल्प आयुष के ऊपर लिया था, तो उसमें आपको एग्जाम्पल ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ कटवांग मुनि का दिया गया था परीक्षित महाराज को, हाउ सुखदेव गोस्वामी इज प्रिपेयरिंग। उसमें काफी श्लोका था 12.2.1.12 से लेके 13, 14 और 15 में यू विल सी दैट कटवांग मुनि को ऊपर एग्जाम्पल देके परीक्षित महाराज को बोला, बता रहे कि कटवांग मुनि तो एक दिन में अल्प समय बोला सिर्फ उनके पास है, शनै इमीडिएटली ही हैज टू लीव द वर्ल्ड। So, उन्होंने जाके पूछा भगवान लोग को कि मेरे को कब मेरा मैं उनको अवार्ड देने के लिए बुलाया, उन्होंने बड़ा युद्ध जीत के उनको एक बेनेडिक्शन के लिए बुलाया था, क्या चाहिए बताओ। तो उन्होंने बोला मेरे को कुछ चाहिए तो नहीं, मेरे को बताओ कि मेरा कितना समय ये भूमि में है। तो उन्होंने बोला बस कुछ समय, तो कुछ समय मीन्स बस ओनली फ्रैक्शन ऑफ टाइम। तो इमीडिएटली ही लेफ्ट दैट ऑल एंजॉइंग जो स्थान था वो सब छोड़ के नीचे आ गया, वहां पे जो वेयर ही कुड फोकस ऑन कृष्णा। तो यही एग्जाम्पल दिया। तो परीक्षित महाराज बता रहे हैं, परीक्षित महाराज को ये बताया गया कि उनके पास तो अल्प समय था, आपके पास तो 7 दिन बचा हुआ है, तो वी उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके उनको द लिबरेशन की तरफ उनको लेके गया। सो दैट इज व्हाट इज ऑल कि आपको किसके पास जाके पूछना चाहिए। अभी इधर आप देखेगा तो अपन ने लास्ट टाइम अपना श्लोका में वी ऑल टुक दिस अल्प आयुष, अभी अपने पास बचा हुआ है। इसमें 6 चीज जो मुख्य है जो ये श्लोका के अंदर समझने का है, दैट इज कलो विच इज इसके बाद का जो प्रायण अल्प सुसभ्या का उसमें जो आप देखेगा उसका नेक्स्ट है कलो अस्मिन युग जना। तो कलो मीन्स झगड़ालू, जो हमेशा झगड़ा करने के मूड में रहता है। तो ये विषय झगड़ालू का विषय थोड़ा लंबा विषय है, तो आई थिंक वी शुड गिव ए लॉन्ग टाइम टू डिस्कस ऑन दिस, बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड में यही एक चीज एकदम
एकदम हॉटस्पॉट होके खड़ा है, जो हर घर में अभी कोरोना टाइम में सबने सोचा कि सबने ये सोचा कि अच्छे से पहला हस्बैंड अगर घर पे से काम पे जाता है तो वाइफ बोलेगा आई मिस यू टू मच, आई वाज वेटिंग फॉर यू। तो वेटिंग फॉर यू मीन्स आई मिस यू मीन्स ये काम पे जाने के बाद आई मिस यू, मैं आपको मिस कर रही थी। और फिर उसके बाद आप इतना समय क्यों, अगर हस्बैंड सोचो 1 घंटा लेट आ गया, क्यों, व्हाई डिड यू डू दैट, 1 घंटा आपने लेट कर दिया काम से आने का। देखो एक समय, 1 घंटा कितना बड़ा समय है, ये भी हम फैमिली के लिए आप टाइम नहीं दे रहे। दिस इज व्हाट द चर्चा वाज इन ऑल द हाउस। आप ये प्रैक्टिकली देखिएगा, ये सब घर में था, मेरे घर में, आपके घर में, ये सबके घर का है कि कोई बच्चे को भी उनका फादर कहाँ जा रहा है, या सबको एकदम मिसिंग था कि व्हाई दे शाउट, यू नो व्हाई व्हाई आर यू डूइंग दिस। हमका हमारा फैमिली टाइम आपने दूसरे को दे दिया और ये यू आर स्पेंडिंग ऑन। तो इसमें ये हो रहा है, आपको ये समझना है कि अभी कोरोना के टाइम में तो फुल टाइम एक हस्बैंड घर पे और वाइफ घर पे है और बच्चे लोग घर पे, सबसे ज्यादा अभी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है तो इस टाइम में हो रहा है बोल रहा है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ बच्चा पूरा घर पे एक ही साथ अंदर फुल टाइम घर पे। अभी जो 1 घंटा जो टाइम भी जो 1 घंटा जो टाइम बिताने के लिए क्वेश्चन आता था कि वेर आर यू, आई मिस यू एंड डू यू मिस मी, ये सब जो सवाल था ये अभी फुल टाइम बोलते हैं। आप कभी घर से ऑफिस चालू होने वाला है, उन लोग सब उसके लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि निकलो घर से, और क्योंकि लाइक दैट हैज बिकम द सिचुएशन। सो प्रवीण माधे, ये हमको ये समझना चाहिए कि क्या ये कॉरलसम के ऊपर से काफी लंबा डिस्कशन है, इसके लिए वील टू दैट एंड ऑफ द क्लासेस, टाइम के हिसाब से अपन इसको कट शॉर्ट करके करेगा। अभी नेक्स्ट अपन जाएगा कि लेजी, मंदा, उसमें लिखा हुआ आलसी। तो आलसी जो होता है अभी, और दूसरा है उसके बाद हम लोग 1, 2, 3 और जो लेगा है सुमंद मतिया और मंद भाग्या और ऑलवेज उपद्रता। तो ये चीज के ऊपर हम चर्चा करें। अभी हम लोग जाएगा लेजी के ऊपर। प्रभुपाद ने अपना जो मूवमेंट, जो इस्कॉन मूवमेंट के अंदर अपना जो टाइम जो रखा ना, 3:30 बजे सुबह उठ के रात को 10 बजे तक, इतना अच्छे से जो मूवमेंट बनाया कि अपने जैसा अभी कोई भी जो डिवोटी भक्त लोग का जो रियल फर्स्ट क्लास डिवोटी होगा, उनको तो कभी आलसी बोल ही नहीं सकते है। अभी ये एक्चुअली एक एक फर्स्ट क्लास डिवोटी को नहीं होगा। अगर इफ यू टेक एग्जाम्पल ऑफ कर्दम मुनि देवती, उनको हम जाके बोलेगा ये भागवतम में अगर उनको इनसे जोड़ दिया जाएगा तो हम अगर इसमें जोड़ेगा हम उसको तो हम बोले हमको क्या बोलेगा, वी आर फूल, बिकॉज दे आर फर्स्ट क्लास डिवोटीज, दे आर दी एब्सोल्यूट जेम ऑफ ए डिवोटी, उन लोग एकदम क्लास है। तो उनको हम बोल सकते हैं लेजी है क्योंकि उन लोग ने पूरा समय उनका कृष्ण पे अर्पण कर दिया था। तो दैट इज नॉट एक्चुअली देखने के लिए डिवोटी के एंगल में नहीं, ये जो प्रश्न पूछ रहा था ये सेज लोग 1.1.4 में ऑफ भागवतम आप देखेगा, ये सौनुक ऋषि पूछ रहे कि हजारों साल बाद ये प्रश्न पहला पूछे, इन्होंने पूछा कि उन लोग का तपस्या 1000 साल तपस्या करते करते उन लोग ने ये क्वेश्चन पूछ रहे कि आगे चल के क्या होने वाला है, ये जो पीढ़ी का, ये जो जनरेशन का क्या होगा। तो उन लोग ये आगे रखते हुए ये प्रश्न पूछ रहे, तो उसमें लगा कि आदमी लोग ज्यादा सो जाएगा, उनको सोने का हैबिट होगा। तो अभी हम लोग का कॉन्ग्रिगेशन में ऐसा, हम लोग को सब भक्त लोग को जो इफ दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस लेजीनेस, चलो एक जिम में जाके, कोई कोई होता है कि 10 घंटा डंपल डंपल्स मारने वाला भी होता है जिम में, 5-5 घंटा भी डंपल्स करता है, जिमनास्टिक्स में जाके जिम करने वाला होता है उन लोग। आप देखेगा ना कि उनका शरीर को क्या होता है कि बाद में एक सर्टन टाइम के बाद अगर 1-2 या 1 साल जिम में नहीं जाते तो उसका एयर पंचर होने लग जाता है, उसका हवा, उसका जो बाजू का छाती, जो चेस्ट, जो फुगा, 8 पैक्स 9 पैक्स जो जो कर रहा है वो उसका पंचर होने लग जाता है। बिकॉज वो क्या होता है, दे नीड नॉट गिव द टाइम, बट डिवोटीज का ऐसा नहीं होता, दे आर कॉन्स्टेंट, यू नो। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी वर्ल्ड वाइड इस्कॉन जितना भी टेम्पल है जो प्रभुपाद ने जो स्थापन किया हुआ है, और जो इस्कॉन जो सेजस महाराज के जरिए जो भी किया, उसमें देखना कोई भी नहीं होगा तो एटलीस्ट मंदिर तो खोल के उनका आरती 4:30 बजे का, बिटवीन 5, कितना भी ठंडा जगह होगा, सिंगापुर होगा या यूके होगा या कैनेडा होगा या जितना भी ठंडा भी जगह होगा, उधर उन लोग मंदिर के अंदर ये तो उठ के उन लोग अपना अपना मंगल आरती तो करेगा ही। तो दैट मीन्स इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग, अपन ये जब क्लास लेते हैं आप, ये दिस इज नॉट फॉर एक्चुअली
a devotee who is doing his sadhana perfectly, but this is to foresee. हमको ये foresee करके देखना चाहिए कि ये कल को हम ये इस तरीके से गिरना नहीं चाहिए. हमको ये श्लोका हमेशा याद आना चाहिए अपने आगे पीछे कि हम लोग को ये कैसा ये श्लोका कितना साल पहला पूछा गया था. तो इधर अगर आप सब लोग 18.7 ऑफ भगवत गीता के अंदर देखेगा तो उसमें भौतिक संतुष्टि के लिए जो कर रहा है, जो मेटेरियल सेटिस्फेक्शन के लिए जो कर रहे हैं, जो चीज उसमें वो कभी भी हम गिव अप कर सकते हैं, उसको हम छोड़ सकते हैं. बट जो आध्यात्मिक जो विकास के लिए जो करता है, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस प्रमोशन या जो भी चीज है अपना जो कर रहा है अपन फॉर टू प्रमोट आवर सेल्फ, वो चीज हमको कभी त्याग करना नहीं चाहिए. बट जो भौतिक संतुष्टि के लिए जो विकास के लिए जो कर रहे हैं जो चीज, वो उसको कभी भी हम त्याग करें तो उसमें कोई अड़चन नहीं है. क्योंकि वॉट इज द यूज, उसमें क्या बोलो ना, एक झाड़ 1000 साल जी के वो क्या फायदा ऐसा जीने से. तो अगर हम ऐसे ही सब कुछ कर रहे हैं, खा रहे पी रहे मस्त हो गए, अगर हम बादाम पिस्ता खा रहे और सब ऑल काइंड ऑफ फ्रूट्स खा रहे हैं, हम 100 साल जी के क्या फायदा है. अगर उसके अलावा हम सोचेगा कि हम आध्यात्मिक विकास का प्रगति के लिए हम सोचेगा, अगर हम कुछ ही साल अल्प समय के लिए भी जी के, जैसे कटवांग मुनि ने क्या किया था, इमीडिएटली ही लेफ्ट द प्लेस. अभी परीक्षित महाराज ने 1.19.5 में क्या किया, इमीडिएटली ही टुक ए पोजीशन. उन्होंने उनका एक स्थान में बैठने का निश्चय कर लिया. तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, सब कुछ त्याग कर दिया. उनका जो किंगडम था, उनका सब कुछ था. ऐसा आप भागवतम में काफी जगह पे आप देखेगा ना, बड़ा बड़ा किंग एंड से जो राजा, बड़ा बड़ा महान महान लोग था, अस्थि लोग, उन्होंने तो उनका बच्चे को, उनको जब राज, उनका राज किरीटन जब छोड़ना था उनको, उन्होंने कितने लोग तो उनका बच्चे को भी जाके बोला नहीं कि मैं जा रहा है. दे जस्ट लेफ्ट ओवर एवरीथिंग एंड दे वॉक ऑफ. तो इसमें परीक्षित महाराज ने सब कुछ उनका छोड़ के एक स्थान उन्होंने ले लिया. तो डू वी थिंक दैट ही वॉज ए लेजी गाय, उन्होंने सब कुछ छोड़ा और सब कुछ उनका इतना स्पॉट ऑन काम कर रहा है. सो दिस वी शुड, हमको ये यही देख के हमको आगे बढ़ना है कि हर चीज में हमारा ऐसा होगा कि हमारा संग जो असंग होगा तो हमारा फॉल डाउन का चांसेस ज्यादा होगा. अगर हम डिवोटी के साथ, अच्छा फर्स्ट क्लास डिवोटी के साथ जुड़ा होता है जिसका हर टाइम उनका प्रोग्रेस, अभी जैसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, हर कथा जो भी मिला, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, कितना लोग को जो डिवोटी बनाया और कितना लोग टेम्पल में, क्या जो उनका यही है अक्का टाइम उनका उनका स्पिरिचुअल मास्टर के बारे में सोचेगा, प्रभुपाद का मिशन के बारे में सोचेगा, कृष्णा भावनामृत में कैसा जो हाउ टू प्रोग्रेस दिस ऑल कॉन्ग्रीगेशन, इसके बारे में सोचेगा. तो उसमें ये उनका स्पिरिचुअल एक्टिविटी, आध्यात्मिक विकास के बारे में उन लोग सोचते रहेगा. तो वो सोचने में क्या होगा, छोटा से छोटा भी अभी एक काम है, भगवान को भोग लगा के रखना. वो अगर एज हो गया आपको, आप एट द एज ऑफ 70-80 हो रहा है, नहीं नहीं मैं काफी बूढ़ा हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता. सो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जो आध्यात्मिक विकास के प्रगति में जो चला हुआ है, उनको एज कभी, उनको रिटायरिंग एज नहीं होता. उनको रिटायरिंग एज इज ओनली फॉर मटेरियल. अभी जैसा गुरु महाराज ने हमारा, उन्होंने आपको देखा कि उनका कपड़ा, उनका जो खाना बना, प्रसादम बनाना और जो भी था, एकदम माइंड वॉज फोकस एट द एज ऑफ 90+. डिड वी सी एनीथिंग लैकिंग इन आवर स्पिरिचुअल मास्टर एट 90+? डिड ही रिटायर? उन्होंने कुछ रिटायरमेंट किया, कुछ चीज को छोड़ दिया उन्होंने? नहीं, उनका जो सन्यासी का जो मार्क था वॉज 100 out of 100 मार्क, जो बोला जाएगा दुनिया में जितना मार्क होगा मटेरियली स्पिरिचुअली सब उनको उनके उनको दे दिया, इट विल बी ऑल गिवन टू हिम. व्हाई? बिकॉज उनका जो आध्यात्मिक, उनका जो विकास, जो उनका जो सबको लेके चलना, प्रभुपाद का मिशन को एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग. तो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट. अभी इसमें आप देखेगा, अभी वही श्लोक, और उसमें आप आगे जाके 18.28 में भी भगवत गीता का आप उसके ऊपर लेजी के ऊपर देखेगा, उसमें एक चीज लिखा हुआ है, शब्दा ऑब्स्टिनेट. इसमें इंग्लिश मीनिंग है ऑब्स्टिनेट मीनिंग. ये ऑब्स्टिनेट मीनिंग के ऊपर जो है इंग्लिश में, हिंदी में है जिद्दी. जो जो लेजी होता है ना प्रभु जी एंड माता जी, इसमें बहुत गुण होते हैं, उनमें भी काफी गुण हो जाते हैं उनमें. वो जो गुण उनका आप दिखेगा ना, जो रहते हैं उन लोग, उनका जो रहता है, एक तो जिद्दी रहता है.
अभी ये कॉरल से हमको जो कनेक्ट करेगा, अभी घर के अंदर कॉरल होता है, इसमें एक तो आता है जो जिद्दी रहता है ना, कि वाइफ एंड हस्बैंड उसमें कुछ बोला जाता है तो उन लोग दोनों में एक ऐसा जिद्दी होगा कि कुछ बोलेगा सुनेगा नहीं, तो ये सब चीज को आप कनेक्ट करना चाहिए भागवतम के साथ। नहीं कोई माइल्ड होता है एकदम, सब चीज सही के आगे जाता है, टॉलरेट करता है ना, तो उसमें प्रोग्रेस दिखता है। आप अगर देखिएगा जिद्दी है, नहीं मैं नहीं करेगा, आई विल नॉट डू व्हाट एवर यू से, मैं नहीं करने वाला, तो आपको इसमें ये श्लोका में आप देखना 18.28 ऑफ भगवद गीता, उसके अंदर जिद्दी ऑब्स्टिनेट, ओके। तो उसमें इसमें लिखा है द वर्क अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ नेचर एंड नॉट अकॉर्डिंग टू द इंजेक्शन ऑफ स्क्रिप्चर, सच पर्सन आर नॉट जेंटल, जनरली दे आर ऑलवेज कनिंग। कनिंग देखा ना, उनका ऑलवेज उनका जो जो लेजी रहता है ना, उन लोग का काफी उन लोग में ये रहता है गुण, उन लोग में उनका तरीके से गुण रहेगा, उन लोग का जो उन लोग का क्या बोलते हैं गुण को, वॉट यू टेल, जो कनिंग जो उन लोग का जो अलग एक तरीका होता है जो उठ के दिखने का, उन लोग हर क्रुकेट वे बोलते हैं ना उनको, उन लोग का क्रुकेट एक दृष्टि रहता है, उन लोग का जो घर पे भी उन लोग रहेगा उन लोग का माहौल में उन लोग हर चीज को उन लोग जेंटल तरीके से नहीं लेगा, उन लोग का हर एक चीज उन लोग कनिंग वे में लेगा। मैं अभी जो करने का काम है जो वो श्लोका के अंदर लिखा है दीर्घ सूत्र, दीर्घ सूत्री बोलेगा तो महाराज हमेशा ये श्लोका बहुत पसंद करे, ये वर्ड महाराज बहुत जगह कोट करता था, दीर्घ सूत्री बोलेगा तो प्रोकास्टिनेशन, प्रोकास्टिनेशन का मीनिंग है तल मलोट ना, बोला ना ये जो कोई भी चीज जैसा अभी आज करने का चीज है उसको एक साल एक महीना, मैं आज करेगा नहीं मैं कल करेगा, कल तो एक हफ्ता का, जैसा अभी कोई किसी को क्लास लेने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो क्लास लेने आज नहीं प्रभु जी, मैं एक हफ्ते के बाद लेगा, मैं दो हफ्ते के बाद लेगा, मैं एक महीने के बाद लेगा, दो महीने के बाद, तो ये यही बस। तो इसमें भी एक प्रकार का जो कृष्णा भावना जो मृत के जो कृष्णा कॉन्शियस में प्रोग्राम नहीं होता रहेगा, अगर आपका आध्यात्मिक प्रोग्रेस की तरफ आप ध्यान नहीं देगा तो दैट इज ऑल लेजीनेस। फिर आपका जैसा भी आपको क्लास लेना है या कोई भी डिवोटी का अपना कॉन्ग्रीगेशन में कुछ सेवा में मिल रहा है एंड यू आर लैकिंग दैट टू डू, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अभी आपको क्लास लेने आप में कुछ है, आप और कुछ सेवा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक अच्छा इंटेलिजेंट काफी सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है एंड आपको ये अपॉर्चुनिटी आप टाल रहे हैं हमेशा, तो उसमें भी आपको लेजीनेस का ये एक ब्रांड मिल जाएगा, आप यू आर लेजी देन। तो अभी That is the word Maharaj used to procrastination, जैसा अभी कुछ आज करना है, मैं उसमें लिखा भी इस श्लोका में आप देखेगा, आप लोग हिंदी में पढ़ के समझ लेना क्या है उसमें, कि उसमें लिखा हुआ है कि जो आज करना है वो एक साल ऐसा टालो टाल मटोलते रहेगा उन लोग हर चीज को, तो दैट इज वॉट लेजीनेस के ऊपर अपन बोलने करेगा तो वी कैन टॉक ए लेंथी, बट ये जिस विल कट शॉर्ट ये लेजी के ऊपर, हमको सबको समझना चाहिए कि भक्त लोग इतना लेजी नहीं होता है जितना जो आम होता है, बट ये जो भक्त लोग का कि जो दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू गेट अप, दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू इन द इन साधना में लगा रहने, लेकिन एक ही है कि कभी भी फॉल डाउन होने के, इसलिए बोलते हैं ना क्रिकेट में जब जाता है एक बैट्समैन हमेशा वो ये उसके गार्ड को आप देखना, उसको दे विल टेक ए गार्ड, फ्रेश गार्ड लेने का कोशिश करेगा क्योंकि सेंचुरी मारेगा या सेंचुरी के बाद या 99 में उनको लगेगा अभी मैं आउट होने वाला है तो गार्ड लेगा, 50 के बाद गार्ड लेगा तो बैट को ठोकेगा उधर, तो व्हाई डू दे डू दैट, दे वो ये कि आउट नहीं होना चाहते और वो देखना चाहते कि LBW ने वो स्टंप के बीच में उसका गार्ड हिला तो नहीं, तो इसलिए ये सब श्लोका हमारे लिए टू गार्ड अवर सेल्फ, ये हमारा दिमाग में हैमर करके महाराज ने बोला जब भागवतम के अंदर एक एक श्लोका के अंदर इतना चीज, लेजी नहीं होना चाहिए हम, तो ये श्लोका है कि बताया है कि आगे चल के हम लेजी हो सकता है, तो वाई शुड हम लोग हमारा गार्ड को कभी कभी हम लोग छोड़ना नहीं चाहिए। चैंटिंग, द चैंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कलियुगा, हम कोई भी परिस्थिति में नहीं, हमारा चैंटिंग, हमारा साधना, हमारा गुरु का पूजा, ये सब चीज हमारा चलते, तो ये लेजीनेस हमको इफेक्ट नहीं होगा, दैट इज वन थिंग। अभी द नेक्स्ट इज सुमंदा मतियो, मिसगाइडेड। अभी मिसगाइडेड बोलेगा तो ये क्या है, बहकाना। अभी जस्ट अगर इंडिया के अंदर ऐसा एक ऐसा, अभी समझो राजकोट में जो पाटिया सिनेमा थिएटर है, जो गैलेक्सी क्या, आई फॉरगॉट दैट नेम, राजकोट का अपना मंदिर के सामने जो जो सिनेमा थिएटर गैलेक्सी है, हाँ गैलेक्सी, फिर गैलेक्सी सिनेमा थिएटर, आई एम नॉट करेक्ट, तो जो सिनेमा थिएटर है जो अपना मंदिर के बाजू में, उधर एक उधर कोई जन आके ये बहकाना बोलते हैं ना, दिस इज व्हाट इट इज, अगर एक 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 व्यक्ति को वहां पे आके पूछ रहा है
राजकोट इस्कॉन टेम्पल कहाँ पे है जो यहाँ पे पास है, तो जो बहकाना वाले आदमी क्या करेगा, उसको थोड़ा आगे जाने का है, वो क्या करेगा, उसको बिठाएगा ऑटो रिक्शा में और लेके जाएगा घुमा के मंदिर के फार्म से वापस टर्न मार के लेके आएगा, वो थोड़ा जिधर वो जाने का था 5 मिनट आगे लेके आके छोड़ेगा उसको और बोलेगा देखो इधर से आप थोड़ा आगे जाओ, बोलेगा वो मंदिर देगा तो बोलेगा अभी तो आप वहां से घुमा के लेके, नहीं नहीं वो चलेगा। ये अपना जो है ना प्रभु जी, ये जो कलयुग में दिस इज वॉट यू कैन एक्सपेक्ट। अभी हम लोग जब छोटा छोटा खेलता था तो एक ऐसा एक सीन था, हम लोग के घर पे कोई भी गेस्ट आता था, अभी हम लोग बॉम्बे में रहते था माटुंगा में, हम लोग का बिल्डिंग 4th फ्लोर का 4 माले का बिल्डिंग होता था, तो मेरा भाई का एक हैबिट था कि कोई भी हमारे घर में गेस्ट आता था जो गांव से आता था तो उन लोग का ये बस अपने आप गांव से घर पे भर के आएगा, इन लोग का पहले का स्टाइल ऐसा था ना, जो भी कुछ काम धंधा नहीं होगा तो भी घर पे आओ। तो मेरा भाई एक टाइम क्या करता था, लेके इन लोग आता था तो हम लोग 2nd फ्लोर में रहता था, भाई उन लोग को ऊपर भेजता था 4th फ्लोर में, ऊपर जाओ उधर है नायर का घर किधर है, मुझे 4th माले में बोलेगा, तो आदमी ऊपर जाएगा 4th माले में बेल मारेगा, बोला वो तो 2nd माले में, तो 2nd माला 2 घंटे के बाद हम लोग घर पे घूम के आए, बोले यही तो लड़का अभी भेजा मेरे को इधर, तो मेरा मम्मी पूछेगा भाई को ये क्यों ऐसा, बोलते है क्या करने का, इन लोग आते रहते कुछ फालतू बात करते रहते, थोड़ा राउंड बिन मार के आने दो ना। तो कलयुग में जो सीधा मार्ग है ना प्रभु जी, कभी भी यू डोंट एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट इन ऑनेस्ट वे, आपको बहका देगा किधर न किधर, आपको मंदिर में भी जाने का एक नॉन डिवोटी के हाथ में आप चले गया, आपको वो डिवोटी नहीं होगा, आप इस्कॉन टेम्पल पूछेगा तो और ही कोई टेम्पल में आपको घुसा के देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आप उधर बोले मैं तो इधर आने का था इधर आ गया। तो यू शुड बी ऑलवेज ऑन अगेन ऑलवेज ऑन द गार्ड कि आपको क्या करना है किधर जाना है, यू शुड ओपन योर एवरीथिंग, बोलते दिमाग आंख कान सब खोल के, यू शुड बी ऑलवेज ऑन विजिलेंस। विजिलेंस का हिंदी वर्ड मेरे को मालूम नहीं है, आपको एकदम फोकस्ड होना चाहिए। तो इसमें आपको अपना 18.59 में आप देखना भगवत गीता का 18.59 ऑफ भगवत गीता, या 18 पॉइंट भगवत गीता में क्या बोल रहा है कृष्ण टू अर्जुन, इफ यू डू नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू माय डायरेक्शन एंड if you do not act according to my direction and do not fight, then you will be falsely directed, okay, and by your nature you will have to be engaged in warfare. Abhi ye falsely directed dekha na, agar apun kiske sath juda nahi to falsely directed, krishna abhi arjun ye parpat ke andar padega to aapko ye pata chalega ki arjuna was thinking that arjuna ka relative hai सब कुछ, अर्जुना सोचा मेरा ही है सब, अर्जुना वाज ऑलवेज अंडर माय रिलेटिव माय कजिन माय अंकल माय सब माय के पीछे ही था, सब मेरा रिश्तेदार के पीछे ही उनका टेंशन था। तो वो जब कृष्णा उनको समझा रहा अर्जुना को फॉल्सली डायरेक्टेड आप ये, तो अर्जुना को तब तक पता चला कि दैट ही सरेंडर एवरीथिंग टू कृष्णा, देन उसका मार्ग जो था, आप और श्लोका के अंदर जाएगा तो आपको इसके एक श्लोका पहला ये 12.8.58 में आप देखेगा ना ब्यूटीफुली, और एक चीज कृष्णा बता रहे हैं, इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टिकल का इधर है दुर्गानी, क्या है दुर्गानी इम्पीडिमेंट्स, इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टिकल ऑफ द कंडीशन लाइफ बाय माई ग्रेस, if however you do not work in such consciousness but act according to the false ego not hearing me you will be lost. ye lost word hai na, ye bahut important hai hamare devotional service ke andar, agar humko krishna ka spiritual master ka prabhupad ka sab acharya ka humko agar humne kuch bhi nahi suna, agar if you are following a certain spiritual master और हमारा सब कॉन्ग्रीगेशन के अंदर हम लोग एक एक को सब अपना अपना जुड़ा हुआ है एक एक स्पिरिचुअल मास्टर के साथ, बट द एंड गोल इज प्रभुपाद एंड देन टू ऑल द सीनियर आचार्यस एंड देन टू कृष्णा, अगर हमारा इसमें से कोई भी हम भटक गया किधर भी, तो अभी कृष्णा ने क्या बोला है क्या अर्जुना को कि इफ यू बिकम कॉन्शियस ऑफ मी यू विल पास ओवर ऑल द ऑब्स्टिकल, बहकाने में हम आएगा नहीं,
कृष्णा कृष्णा यहाँ पे कितना अच्छा से बता रहे हैं। देखो एक एक चीज हमको समझा रहे हैं कि हम ये दुनिया में बहकाव में आ जाएगा और हम लॉस्ट हो जाएगा प्रभु जी महादेव। कृष्णा इससे अच्छा हमको भगवत गीता में और क्या समझाना चाहिए? हमको इससे कोई सरल भाषा कोई समझाने का कोई जरूरत है कि ये जो लाइन के ये जो बहकाने में नहीं आना कृष्णा। अभी अगर कृष्णा को हमने सरेंडर कर लिया अभी कृष्णा अभी वॉर के अंदर आप देखो अभिमन्यु को सब ने मिलके घेर के मारा। दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कृष्णा ने अर्जुना ने जाके वहां पे कसम खा लिया दैट यू उन्होंने शपथ ले लिया कि कल सूर्य अस्त होने के अंदर जयद्रथ को मार दिया जाएगा। डिड ही कंसर्न उन्होंने एक भी इसके बारे में कृष्णा के साथ कंसर्न किया था? नहीं। कृष्णा को पता चला बाद में आने के बाद वो टेंट के सामने कि ये कृष्ण अर्जुना ने ये उन्होंने ये शपथ लिया हुआ है कि अभी ये मार देगा बोल के। अभी आप सोचो प्रभु जी और माता जी अभी व्हाट वाज कृष्णास पोजीशन एंड व्हाट वाज अर्जुनास पोजीशन देयर। अर्जुना तो एकदम आराम से सो गया रात को। कृष्णा पूरा अगर इफ यू सीन द महाभारत के अंदर का पड़ेगा कृष्णा वॉज जस्ट वॉकिंग इन द टेंट लेफ्ट एंड राइट पूरा चल रहा था। इसके बारे में आइडिया प्लान सुबह सुबह होते पूरा एकदम रात भर प्लानिंग कर रहा। अर्जुन एकदम मस्त में सोया हुआ। सो यू जस्ट सी हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी डज कृष्णा टेक। हम अगर बहकावे में किसी का वी गेट लॉस्ट हु आर वी ब्लेम टू। अगर हम किसी चीज का हमारा रास्ता हमने छोड़ के और कहाँ चले गए हम कुछ चीज में हमको तकलीफ हो रहा है तो उसका रीजन वी आर द वन आवर रीजन यू। अगर हम इसी में सब कृष्णा बोल रहे हैं आप मेरे को मेरे कॉन्शियस में रह के सब चीज करने से आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर्वधर्म प्रति माम एकम शरणम भजे आम तन सभी मोक्ष स्वामी सिचो। कृष्णा इज टेलिंग 18.66 मन मना मत भक्त आई प्रॉमिस यू बोलते हैं कि नहीं वी कृष्णा इज टेलिंग अस बट इट इज वी आर हमने हमारा हम बहकाव में आ रहे हैं and if we are lost it is हमको blame करना चाहिए या तो हम ना हमारा spiritual master को ना प्रभुपाद को ना congregation को कुछ भी बोल के ये एक किसी भी एक congregation के अंदर आके disturb होके दूसरे जगह में उठ के गया फिर एक हफ्ते के बाद और एक जगह चले गया फिर दूसरा लग रहा है कि ये devotee ने इधर जाने से थोड़ा मेरा problem और solve होएगा या उधर से उठ के तीसरा जगह में और जाके दूसरा धाम में बैठ के problem solve करने गया। आप इधर से बाटली मोरी US में भी जाओ बाल्टी भी लेके जाओ इधर भी लेके जाओ आपका प्रॉब्लम आपका मन तो यही है आप लेके जा रहे हैं ना सब जगह। आप कोई भी दुनिया का कोई कॉर्नर में लेके जाओ आप खुद को लेकिन मन यही लेके जाने वाला है सब जगह। तो मन को ही आपके मन के अंदर ही मल भर के बैठेगा तो फिर आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व कैसे होगा। मन के अंदर का जो बोल रहा है शरीर के अंदर हमको हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वी हैव टू जस्ट बी विद कृष्णा इज टेलिंग इन वन लाइन इट गिव्स ऑल द पूरा समम बोनम आंसर इधर ही है कि If you become conscious of me, if you become conscious of me, you will pass over all the obstacle. ये दो लाइन में हो गया और लास्ट लाइन में कृष्णा ने लिखा है कि मेरे को ब्लेम मत करना वो भी लिखा हुआ है। You will be if you not hearing me, you will be lost. एकदम easy है ना कोई इसमें कोई there is any thing that we don't understand. Basic से basic ABCD जिसको भी आता होगा English में या हिंदी में ये लाइन पड़ेगा तो ये तीन लाइंस के अंदर सब कुछ समझ आ जाएगा। बहकाने में आने का नहीं है हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है दैट इज इट। ओके अभी वी विल गो टू दी मंद भाग्य इसका मीनिंग है बदकिस्मत। ये अभी बदकिस्मत हाउ डिग्रेडेड इज ह्यूमन सोसाइटी। आप देखो ह्यूमन का जो सोसाइटी कितना बदकिस्मत है अभी ये जो कलयुग जो चल रहा है। एक 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 स्टोरी एक छोटा इंसिडेंट बताएगा बदकिस्मत बोलता है ना कि भगवान के ऊपर आपका कॉन्स्टेंट फोकस भी नहीं रहेगा इफ यू आर नॉट कॉन्शियस ऑफ। अभी कृष्णा कॉन्शियस में हम तो बैठा हुआ है हम मैं बैठ के क्लास ले रहे हैं अभी सब कुछ। एक अच्छा इंसिडेंट बताता है जब द्वारका में भूमिकुंड को क्या बोलते हैं अर्थक्यूक आया था ना जो जो अर्थक्यूक आया हुआ था
जो अर्थक्यू गाने के बाद जो काफी सीनियर डिवोटी लोग सब साथ में बैठा हुआ था, इट इज अ लाइव एग्जांपल जो उन्होंने आके बताया, सब उठ के भाग गया राजकोट का द्वारका में, सब भाग गया उठ के इधर उधर उधर भाग गया। महाराज वॉज फोकसली सिटिंग ऑन दैट प्लेस। दिस इज वॉट यही बोलना चाह रहे हैं ना कि हाउ मच इज महाराज के अंदर। आपको भागवतम देखना है तो आप एटलीस्ट भागवतम ने कम से कम अपने स्पिरिचुअल मास्टर को देख लो। आप भी मेरे सामने जो फोटो हमारे घर के अंदर है, महाराज के हाथ में भी भागवतम है, दैट महाराज के हाथ में फर्स्ट कैंटो पकड़ के महाराज बैठा हुआ है। तो आगे अभी महाराज का ऐसा एग्जाम्पल, इतना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है कि द्वारका से सब उठ के भाग गया वो जो अर्थक्यूक में, लेकिन महाराज वॉज एडमेंट होके बैठ गया कि नहीं, सबको बोला बैठो यहाँ पे। जो डिवोटी बोला जब भागने का भी हो गया तो महाराज ने सबको बिठा दिया, तो बिठा महाराज बोला आप उधर भागने से आपको लगती कि कुछ नहीं होगा वहां पे, या इधर बैठने से जो भी होना है जहां भी होना है तो जो होना है, कृष्णा राके तो मारे कौन, कृष्णा मारे तो राके कौन। इफ कृष्णा वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग कैन वी सर्वाइव, इफ कृष्णा डजंट वॉन्ट टू एनीथिंग कैन एनीथिंग हैपन टू अस। यही हमको यही महाराज ने हमको यही तो सिखाते रहते हर टाइम में कि मन बदकिस्मत, जो आदमी सोचते ना कि मैं बदकिस्मत हूं, मेरे को ये हो रहा है ये हो रहा है, बट दैट इज नॉट नथिंग, इट हैज गॉट नथिंग टू रिलेट विथ अपना जो मटेरियल वर्ल्ड का जो इसके कुछ जोड़ के मत, बदकिस्मत का कुछ नहीं होता है कि हम बदकिस्मत है। हमको सिर्फ बस ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़ना है। आपके साथ बदकिस्मती हो या आपका किस्मत अच्छा भी हो तो आपको दूसरा कुछ सोचना चाहिए नहीं चाहिए। हमें कितना कितना डिवोटी लोग, आई पर्सनली नो कि उनके साथ उनका काफी खराब टाइम गुजर रहा था, और वो गुजरते गुजरते भी हमको ये देख के हम लोग ने सीखा कि हाउस दुनिया से मीन्स उनको जहां उन लोग रहते हैं उनको सब बाजू से उनको तकलीफ हो रहा था काफी, उनको मटेरियली उन्होंने जो जो प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था उन्होंने वो व्हाट आई पर्सनली सो कि उन्होंने एक भी टाइम उनका जो साधना में कुछ कमती आते रहेगा, जो जो रहता है ना जो मटेरियल वर्ल्ड है ना प्रभुजन माते, साधना में जरूर कमती आएगा लेकिन उनका जो बोलते हैं ना जो इंटेंस जो 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 लगाव रहता है ना वो उन लोग छोड़ना नहीं चाहिए, उन्होंने छोड़ा नहीं था। उन्होंने धीरे 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 एक एक प्रॉब्लम कृष्णा भी टेस्टिंग करते रहते, उनका बोलते हैं सब दुखालयम तो है लेकिन अश्वाश्वतम, टेम्पररी प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी, परमानेंट प्रॉब्लम्स तो हम तो रहता नहीं ना, परमानेंट प्रॉब्लम्स जो एक एक टेम्पररी प्रॉब्लम उनको देखो प्रॉब्लम एक एक सॉल्व होते, दे आर ओके। सो अभी यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव टू सी इज अभी एक एक भक्त ऊपर से पहाड़ के ऊपर से गिर गया, एक एक जस्ट पास टाइम बता रहा है छोटा, पहाड़ के ऊपर से गिरने के बाद क्या हुआ, वो जमीन से एक फीट लाइक वो एक एक झाड़ के ऊपर आके लटक गया। वो झाड़ के ऊपर लटकने के बाद क्या हुआ, वो भगवान को मन के अंदर ध्यान कर रहा, भगवान कैसा भी मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो भगवान, आंख बंद किया क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर से गिर गया ना तो डर गया पूरा, तो उसने उसने आंख खोला ही नहीं, बोला मैं तो खत्म है। वो जैसे आके गिर गया नीचे तो उसको उसका होश और उसका ठिकाना सब है स्थिर था, तो बोला भगवान मुझे बचा लो कृष्णा प्लीज सेव मी सेव मी सेव मी। उसने वो क्या हुआ एक एक झाड़ के एक डाल में आके फंस गया, तो डाल में फंस गया तो कृष्णा ने बोला अच्छा यू वांट मी टू सेव राइट, तू तेरा दोनों हाथ छोड़ ले। तो बोला नहीं नहीं कृष्णा मैं दोनों हाथ छोड़ेगा तो मैं और ये जो बचा है वो भी नहीं बच जाएगा मैं, तो कृष्णा बोला छोड़ ले छोड़ ले। एंड ऑफ द डे कृष्णा एज परमात्मा अंदर बैठ के आत्मा को मैसेज दे रहा है, तो इफ यू आर नॉट गोइंग टू लिसन, अभी क्या कर सकता है कृष्णा, कुछ नहीं कर सकता है। कृष्णा ने 10 बार बोल दिया और ये एडमेंट होके बैठा हुआ, मैं नहीं छोड़ने वाला, मैं नहीं छोड़ने, मैं तो गिरेगा तो, और क्योंकि उसने जो ऊपर जो जो सीन देखा था तो इट वॉज ए डीप डीप वैली, तो बोला मैं तो खत्म ही है। तो वो सोचने में उसका माइंड के अंदर उसने ऐसा फिट कर लिया कि अभी मैं नीचे आके खत्म होने वाला है। तो नीचे आके क्या हुआ, जो कृष्णा का नाम लेते लेते उसने नीचे तक आ गया और डाल में फंस गया, वो उसने फिर भी कृष्णा का माना नहीं, उसने उधर बैठा रात भर बैठा रात भर बैठा। प्रभु जी रात को ऐसा सीन हो गया कि उसको एक सांप ने आके काट लिया, एक सांप ने आके काट लिया तो उसने उसका जो सांप का काटने से उसने आंख का और हाथ खोल लिया, उसने आंख भी खोला और जो जो एडमेंट होके बैठा था हाथ भी खोल दिया, और उसने जब नीचे गिरा तो फासला वॉज जस्ट 1 फीट।
ऑफ 1 फीट फासला में क्या हो गया, फिर वो सांप काटने से मर गया, उसका डेथ वॉज बिकॉज ऑफ द स्नेक बाइट but not because of that mountain fall, because abhi kya ho gaya, because he didn't listen to krishna, no, abhi ye badkismati isi ko bola jata hai, humko jab krishna ke sath juda hoga to everything is auspicious or death will also become auspicious then. Parikshit maharaj ka death, every sages wanted to see and enjoy parikshit maharaj death, jo unhone unka sharir ko chhod ke gaya, abhi devuti mate jo sharir ko chhod ke, how was that? Everybody was glorifying. अभी जो प्रिथु महाराज का वाइफ, जो इसमें से जा रहा था विमान में बैठ के प्रिथु को महाराज को लेके गए, तो उनका बीबी भी पीछे से गया. Everybody was glorifying that death, you know. So, अभी और एक स्टोरी में आपको थोड़ा लिंक करके बताएगा. पुंदानम बोल के एक बड़ा सेज था, एक ब्राह्मण फ्रॉम गुरुवायूर. गुरुवायूर टेम्पल में आप जाएगा तो पुंदानंद का स्टोरी आपको सुनना है तो आपको वहां पे कोई भी सुनाएगा. तो पुंदानंद का ऐसा हुआ कि पुंदानंद को काफी इनिशियल तकलीफ था, उनको बच्चा नहीं होता था, एंड बाद में एक बच्चा हो गया. भगवान से प्रार्थना करते करते एक बच्चा उनको मिल गया, और बच्चा मिलने का खुशी में उनका घर पे पूरा सेलिब्रेशन चल रहा था. सब उनका गेस्ट लोग आ रहे हैं, ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, तो काफी जो खाना बनाने के लिए कुक लोग जो सब है ना, उन लोग सब लगा हुआ है उनके घर पे. तो जो उनका छोटा जो नया बालिक जो पैदा हुआ था, तो ये उनका मेड सर्वेंट के हाथ में दिया था. तो मेड सर्वेंट लोग के गले में जो केरला में एक वस्त्र होता है, जो टॉवल जो होता है ना, सफेद होता है. तो बच्चे को सुला दिया, मक्खी आ रहा था तो उसके ऊपर डाल दिया, तो व्हाइट कपड़ा ऊपर डाला हुआ था. तो जितना भी जो उसके पीछे काम करने वाला लोग उनके घर पे आया, तो ये सब ये सीनियर सर्वेंट ने कपड़ा डाला हुआ है, तो किसी ने ये नहीं देखा कि अंदर है, मक्खी था, बल्कि बच्चे को पूरा ढक दिया. तो सब अपना अपना जितना 10-15 सर्वेंट लोग ने कपड़ा डालते गया ऊपर, ये व्हाइट कपड़े के ऊपर. तो बाद में बड़ा प्रोग्राम हो गया, सब खाना बिना बन गया, तो ये मेड को याद है, गया बच्चे को उठाने देखने गया, तो बच्चा ये कपड़ा के वजह से श्वास जो हो गया उसका, नाली नाक भी बंद हो गया, बच्चा मर गया. तो पुंदानम को इतना ये होगा कि उन्होंने देखो वो भी स्थिति में उन्होंने क्या किया, उनका जो मैं बोला कोई भी स्थिति हो, एक भक्त का जो उनका फोकस होगा सिर्फ डिवोशनल के ऊपर, उन्होंने उनका कोई डिवोशनल एक्टिविटीज छोड़ा नहीं, एकदम स्ट्रांग बढ़ते गए. तो उन्होंने उसमें उनका दृढ़ गुरुवायूर भगवान के ऊपर लगा रहा अच्छा से. तो पढ़ते पढ़ते गुरुवायूर टेम्पल में उन्होंने स्थान उनका ये कर लिया, और गुरुवायूर पे ये पढ़ते गया. ये हो गया, उन्होंने अच्छा से उनका सेवा करते गए. तो एक दिन ऐसा सेवा करते करते उनको ये उनके परमात्मा ने उनको ये मैसेज दिया कि पुंदानम, कल विष्णु दूता ने उनको मैसेज दिया कि कल मैं आपको लेके जाने आ रहा है दोपहर को. तो पुंदानम बहुत खुश हो गया. पुंदानम उसका घर को पूरा सजाने लग गया, फूल डाल के, हार डाल के, माला डाल के, पूरा घर आजू बाजू वाला सबको बुलाया. उनका जो मेड लोग था, जो सर्वेंट था, सब घर पे खाना बिना बना रहे, और सब पुंदानम को बोल रहे ये पागल है. पहले ही पुंदानम काफी डिवोशनल में लगा हुआ था, तो सब ने उनको बोला ये पागल है. फूल माला डाल के खाना भी दे रहे गांव वाले, सबको गांव वाले को खाना खिला रहे. तो अभी तो 12 बज गया, सब खाना भी ना खा लिया. पुंदानम बोला देखो विष्णु भगवान आ गया है, मेरे को लेके जा रहे, कौन आ रहा है मेरे साथ में. तो पुंदानम का वाइफ बोला मैं तो नहीं आ रहा है, मेरे को काम है. तो पुंदानम बोला ठीक है, तो कौन आ रहा है. तो अंदर से एक मेड ने उनका जो दासी था जो सर्वेंट मेड, तो उन्होंने बोला मैं आ रहा है पुंदानम के साथ. पुंदानम बोला अच्छा आ जाओ, आपको इच्छा है तो विष्णु के पास तो जा रहे, तो किसी को भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं ओनली यू मी एंड आई कैन गो, एनीबॉडी कैन गो. तो उन्होंने बैठ के उसके साथ चले गया. तो विष्णु विमान के साथ ऊपर देखा, उनका जो शरीर वीरीर सब उधर जब कपड़ा वपड़ा सब पड़ा हुआ था, उनका शरीर लेके जा रहे भगवान, तो देख रहे. तो आप देखो कि कितना बदकिस्मती है कि ये जगत संसार में, ये मटेरियल वर्ल्ड में, कि आपको कोई अच्छा काम के लिए भी आप बुलाएगा, आपके पास मौका होगा तो आपको भगवान के पास भी दाम में बुलाएगा, तो आप लोग बोलेगा बिजी है.
आपको कृष्णा भावना प्रोग्राम में आपको काफी लोग बुलाएगा, आप लोग का फ्रेंड्स लोग बुलाएगा, यू विल इनवाइट योर फ्रेंड्स। आप देखना कि आपको सब लोग एक्सक्यूज देगा, मैं काम है, मैं बिजी है, मैं अभी यही तो बोलता है, ये लेजी में क्या बोलता है, सब कुछ आपने कट शॉर्ट, आपका आपने मिक्सी दे लिया, वॉशिंग मशीन ले लिया, सब कुछ ले लिया आपके घर पे। व्हाई डिड यू डू दैट? आपने टाइम सेव करने के लिए लिया ना प्रभु जी माता जी, लेकिन वेयर आर वी इन्वेस्टिंग आवर टाइम? आपने ये टाइम सेव करके माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहा है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा धो रहा है, मिक्सी में ग्राइंड हो रहा है, सब कुछ आपका आसान हो रहा है। आपको पहला तो आपका माता पिता को मिलने के लिए एक एक किलोमीटर, दो दो किलोमीटर गांव में जाना पड़ता था, हफ्ते में ये विजिट होता है, आजकल तो वाईफाई में व्हाट्सएप टॉकिंग सब कुछ हो रहा है, आपका परफेक्ट। ये नहीं कि व्हाट्सएप आने से गंदा हो गया या मोबाइल आने से गंदा हो गया, ये कुछ नहीं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, उसमें भी अच्छा चीज है, उसमें भी भागवत हम निकाल के पढ़ सकते हैं, उसमें भी काफी एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम जो निकाला, जो 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 टाइम जो सेव किया, वो टाइम अगर हम गेम्स खेलने में लगाए, किकी पुकी, जो वॉकी पॉकी जो खेलता है, पुकी मॉन वो बच्चे लोग खेलते हैं, वो जो खेलता है वो व्हाट्सएप के अंदर पबजी पबजी खेल रहे हैं, तो यू जस्ट इमेजिन यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड जस्ट मैं मेरा और क्लास को 5 मिनट्स बढ़ाएगा एंड वील स्टॉप इट हियर यू नो। तो यू जस्ट सी कि आप लोग सेव कर रहे टाइम, बट वेर आर वी इन्वेस्टिंग? अभी यहाँ पे आपने देखा पुंदानम ने क्या किया, उनका उनका बच्चो बदकिस्मत जो बोलते हैं ना, उसका बच्चा भी चले गया, सब कुछ तो है, यू विल हैव ऑल द टाइम, डोंट एक्सपेक्ट कि आप डिवोटी है आपके साथ कुछ नहीं होगा, नो दैट इज टोटली अ रॉन्ग थिंग कि आप डिवोटी है तो मेरे घर पे कोई किसी के साथ कोई हादसा नहीं होगा या मेरे साथ कोई नहीं होने। पुंदानम इतना बड़ा सन्यासी था, उनका भी आप इतना बड़ा मुनि था, आप उनका भी देख लो, देखो इतना बड़ा ब्राह्मण लर्नड स्कॉलर, उनके भी साथ क्या हुआ और उन्होंने क्या किया। अपना प्रभुपाद भी लास्ट टाइम हमको देखा कि क्या उनके शरीर के, उनको बीमार, उनका शरीर वीक हो रहा था, लेकिन डिड वी सी प्रभुपाद ब्लैंकेट ओढ़ के सो गया? महाराज हमारे गुरु महाराज को आपने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के अंदर ब्लैंकेट ओढ़ के सोड़ा हुआ, कोई फोटो बीटो है तो बताओ? कितने लोग तो वहां पे वैष्णव से प्रभु था, देवकी प्रभु था, सब लोग था, सीनियर डिवोटीज लोग के पास कोई होगा ना, उन लोग फोटो बीटो दिखाओ पूछो ब्लैंकेट के अंदर, हॉस्पिटल में तो ब्लैंकेट के बिना देते हैं, उन लोग ने कोई सोड़ मोड़ के, अगर सोया भी होगा उनका कोई टाइम पे, लेकिन उन्होंने क्या 24/7 सोया हॉस्पिटल में? नहीं, वहां पे भी मैंने खुद मेरे आंख से, मेरे पैर से, मैंने खुद चल के जाके भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में मैंने खुद क्लास अटेंड किया भागवतम का, भगवत गीता का। महाराज ने दोपहर को, हम लोग सो रहे घर पे मीरा रोड में, भक्त लोग जाके सो गए अंदर घर के अंदर, महाराज ने पूछा कहाँ पे, जल्दी आ जाओ, क्लास दे रहा है देवकी प्रभु का, वैष्णव सेवु का मैसेज आया, महाराज वांट्स एवरीबॉडी इमीडिएटली इन भक्ति वेदांत हॉस्पिटल कम, वी ऑल रिच देयर। 15 मिनट में ऑटो बीटो पकड़ के सब भक्त लोग इधर उधर सब भाग के आ गया। तो ये था, ये जो जो बोला बदकिस्मत, उनको उन्होंने बदकिस्मत नहीं बताया ये बात को, एवरीथिंग बदकिस्मत जिसको होता है, जो ऊपर से गिरता है लटक जाता है भगवान का, हाँ, और जो, जो जो अपना महाराज का, और एक मेरा वाइफ यहाँ से याद दिला रहा था, महाराज कहाँ तो ट्रैवल करके आया था, घंटा घंटा ट्रैवल करके अबुधाबी में आया। अबुधाबी में आने के बाद रात को 2 बज गया था, अभी सब डिवोटी लोग ने बोला रात को 2 बज गया, अभी महाराज तो अभी सोएगा, चलो महाराज के लिए रूम बेड बिट सब अरेंज करके रखा था। पूर्णेंद्र प्रभु जो चेन्नई का है, सज्जन प्रभु जो चेन्नई का, उन लोग ने सब सोचा, मैं तो एक्चुअली लेट हो गया था कि वी ऑल केम बैक, छोटा बच्चा लोग था हम लोग का, तो ऑल दोस डिवोटी सोच, सज्जन प्रभु सब सोचा चलो महाराज अभी 3 बज गया ना, अभी 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 अबुधाबी में इन लोग 3:30 बज गया, अभी महाराज सोएगा और सब कुछ, चलो अभी हम लोग टायर्ड भी हम लोग जाएगा। तभी महाराज ने बोला कि शो बॉटल बिजनेस, स्टॉप दिस शो बॉटल बिजनेस एंड गेट इन टू भागवतम, लेट्स डू मंगलारती। मंगलारती कर दिया प्रभु जी एंड माता जी, महाराज ने 3:30 बजे अबुधाबी में एट द एज ऑफ 90 महाराज ने उनका मंगलारती, सब सब सोया हुआ दुनिया, महाराज ने नहीं सोया, महाराज जी मंगलारती। उनको ये नहीं कि बैड लक है, मैं ट्रैवल करके आया, मैं काफी टायर्ड है, मैं रेस्ट करने एज है, नहीं, ये कोई एग्जाम्पल और ये कोई क्या बोलते हैं बहाना नहीं, ये एग्जाम्पल ब्यूटीफुल जो भागवतम के अंदर जो कटवांगा मुनि का एग्जाम्पल से शुरू होके ये सब जो सेजस का दे रहा है, प्रभुपाद का दे रहा है, हम हमारे स्पिरिचुअल मास्टर का इंस्ट्रक्शन हमारा बच्चे को देगा, ये सब जैसे जो लिंक जो कॉरल का होगा, अभी मैं मेरा क्लास 3 मिनट में स्टॉप करके
नेक्स्ट क्लास में देयर इज अ फ्यू थिंग्स अबाउट व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट आवर कलो. मैंने ये कलो को इधर पॉज करके इसके आगे की क्लास में, क्योंकि इट इज अ लेंथी डिस्कशन. तो अभी आप देखना, अभी ये और दो चीज को मेरे को बोलना है. एक है वेरी इंटरेस्टिंग इज ऑलवेज डिस्टर्ब एंड कलो. दिस टू थिंग्स विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन एंड विल कंक्लूड आवर दिस श्लोका ऑफ 1.1.10. थैंक यू प्रभु जन माता जी. And sorry for taking a little long time. And I'm sorry for that. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu ji. बहुत ही सुंदर आपने महाराज जी के जो किस्से बचाए बताए उससे हमें ऐसा लगा कि हम महाराज जी को कभी मिले नहीं है, लेकिन जो आप बता रहे थे तो हमने भी महाराज जी का साक्षात अनुभव हमने अनुभवा आपकी वाणी से. खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी. और ऐसे ही आप आपके अगले सेशन में भी महाराज जी के जो भी किस्से, जो भी आपने आपका पास टाइम उनके साथ बिताया है वो हमसे शेयर कीजिए, उतनी विनंती है. किसी और कोई भक्त का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप हाथ रेज हैंड रेज कर सकते हैं. वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चंस. मनोहर प्रभु जी का प्रश्न है. प्रभु जी आपको अनम्यूट का भेजा है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. हरे कृष्ण प्रभु जी. दंडवत ऑल ग्लोरी टू प्रभुपाद एंड गुरुदेव. प्रभु जी मेरा ये प्रश्न था, आपने जो स्टोरी सुनाया था जो बच्चे जो कपड़े के नीचे हो गए थे, उसको मैं समझ नहीं पाया. थोड़ा सा आप थोड़ा उस पे और रोशनी देंगे, क्या हुआ फिर और क्यों, आप क्या बताना चाह रहे थे? वो पूंदानम का जो स्टोरी है, आप गुरुवायर टेंपल का पूंदानम का आप स्टोरी भी वीडियो में ऑन डालेगा तो आपको ये पता चलेगा कि पूंदानम को बच्चा नहीं हो रहा था. तो उनको काफी टाइम के बाद कृष्णा भगवान को, उन्हें गुरुवायर को भगवान को पूजा करके उनको एक बच्चा हुआ. तो बच्चा होने के बाद वो बच्चे का सेलिब्रेशन में था कि काफी बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है उनके घर पे. तो जो छोटा बच्चा था ना एकदम, तो उन्होंने बच्चे को जमीन, उनका बच्चा क्या हुआ, मेड के हाथ में दिया. तो मेड ने उसको जमीन में सुला दिया. जमीन में सुलाने के बाद अभी जो केरला में ट्रेडिशनली आप देखो एक लंबा एक सफेद टॉवल डालता है जो हम लोग केरला में होता है, तो वो बच्चे के ऊपर मक्खी आके बैठता करके उसने क्या किया, टॉवल व्हाइट कलर का क्लोथ भी ऊपर डाल दिया क्योंकि मक्खी आके बैठता करके, और वो टॉवल भी बिछा दिया. तो जो वो उसके काम पे लगा हुआ था ये मेड, तो उसके बाद घर पे बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है. तो क्या क्या दूसरा जो मेड आया तो बोला ये सब ये मेड ने निकाल के रखा है कपड़ा यहाँ पे बोल के, क्या उसने फेस नहीं देखा, बच्चे का फेस कवर था. तो उसने भी उसका व्हाइट कपड़ा उसके ऊपर बिछा दिया जो टॉवल होता है ना वो. तो ऐसा एक 10-15 मेड जो घर पे, काफी बड़ा प्रोग्राम हो रहा है ना घर पे, तो एवरी मेड कम एंड डिड द सेम थिंग. ये आ रहा है टॉवल ऊपर डाल रहे, टॉवल ऊपर डाल रहे. तो बच्चा क्या हुआ, जो उसका श्वास बंद हो गया. तो इट वॉज गोइंग ऑन फॉर 3-4 आवर्स. छोटा ना एकदम नाबालिग बच्चा था तो उसको श्वास नहीं आ रहा है और पूरा पैक हो गया, तो वो दम घुट के मर गया. तो ये मरने से क्या हुआ कि अभी सी बड़े के ऑस्पिशियस सेलिब्रेशन हो रहे घर पे, बट उसमें पूंदानम का आप देखो ना कि उनको ये हो गया, चलो हो गया, बट उन्होंने इसमें कुछ भी उनका साधना में उनका इफेक्ट आने नहीं दिया. बच्चा अभी कृष्णा ने दिया तो उन्होंने यही सोचा कि कृष्णा हैज गॉट द राइट टू ओनली टेक, तो कृष्णा ने ले लिया बोल के उन्होंने इसमें कंटिन्यू किया रादर देन ही डिडंट थिंक कि मैं मेरा साधना छोड़ के जाएगा. वो बदकिस्मत जो वर्ड जो यहाँ पे जो इफ यू सी द वर्ड ऑफ मंद भाग्य बदकिस्मत, सो यू आर अनलकी ना. तो अनलकी अभी आपको एक बच्चा होने के बाद आप सोचेगा लकी तो हो गया. अभी आप चित्रकेतु महाराज का विच विल बी स्पीकिंग इन माय नेक्स्ट क्लास, व्हाट डिड चित्रकेतु महाराज का क्या हुआ, चित्रकेतु महाराज वाज इन जुबिलेशन, वो जुबिलेशन मूड में था बच्चा. अंगिरा मुनि ने आके उनको पहला क्या बोला कि अभी आपको एक बच्चा नहीं हो रहा, दुख में था. उनको पहला हर्ष और शोक, उसने क्या वर्ड सुना, पहला हर्ष वर्ड सुन लिया एंजॉयमेंट, शोक का वर्ड नहीं सुना. तो इधर क्या हुआ, बट चित्रकेतु महाराज वाज इन मोड ऑफ डिस्टरबेंस में था.
लेकिन यहाँ पे इसी भागवतम इज टीचिंग दैट चित्रकेतु महाराज वॉज क्राइंग लिटरली, बट यहाँ पे पुंदानम का स्टोरी क्या था, पुंदानम डिंट मूव एंड टिंच, इंच उन्होंने मूव नहीं किया, वो एकदम दृढ़वत्ता से डिटर्मिनेशन से उनका उनका नेक्स्ट डे, ऐसा हम लोग ने कितना डिवोटी को देखा हो प्रो लाइव इन मटेरियल वर्ल्ड, यहाँ पे अबुधाबी पे भी देखा है कि एक वैष्णव डिवोटी है कि उनका मेरे सामने का बात कर रहे कि हॉस्पिटल में उनका उनका बच्चा ये दुनिया छोड़ के चले गया, एंड ओ डिवोटी ओ ब्राह्मण जो डिवोटी था हॉस्पिटल में संध्या वंदन कर रहा है शाम का 6 बजे. You just see, and इसका witness कौन है मन में, इसका witness I am there and सज्जन प्रभु is there and वैजयंती माला देवी दाती माता जी is there. हम लोग 3 जन ने हॉस्पिटल में रख के देखा हुआ है live hospital दुबई में. तो ये है, this is what it is, you know, जो एकदम उसका थोड़ा भी मुंह नहीं करेगा, उन लोग का devotional में जो भी होगा there is unlucky, इन लोग की तो दूसरे की लोग के लिए. अभी महाराज हॉस्पिटल में सोया, महाराज क्या सोचेगा, मैं हॉस्पिटल में सोया, मैं अनलक्की है, मैं ब्लैंकेट लाओ फ्रूट लाओ, बड़ा बड़ा महाराज है, यूएस में से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है, बेल्जियम से आ रहा है, राजकोट से सब बिजनेसमैन आ रहा है, भक्त लोग आ रहा है, डिवोटी लोग आ रहे हैं, जो जो महाराज को देखा पूरा भक्ति वृंद हॉस्पिटल के नीचे जमा हुआ है. मैं हम लोग के घर पे, मैं मीरा रोड में रहता हूं, मेरे घर पे है सब जन, एवरीबडी वॉज देयर, बट वॉट हैपेंड, महाराज वुड हैव टेकन हिज लिबर्टी एंड स्लेप्ट इन द हॉस्पिटल, चलो अच्छा कंफर्ट है इधर सो जाओ. महाराज ने वहां पे दोपहर को 3 बजे थोड़ा भी टाइम मिला, भगवत गीता सबको बुलाओ रूम के अंदर बिठा के सब जन, ये नहीं कि वहां पे रो रहे महाराज, महाराज भी जाने वाला करताल नहीं बजा के बेटा, महाराज का लाइफ बढ़ाओ, महाराज का लाइफ लॉन्ग बढ़ाओ, ये करताल नहीं महाराज ने बजाया वहां पे, महाराज को दुनिया को चैंटिंग महाराज ने बोला नहीं सबको, देवकी प्रभु टेल एवरीबडी टू मेरा लाइफ को बढ़ाने के लिए चैंटिंग करो, महाराज ने ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया. महाराज ने इन्फॉर्मेशन दिया कि भगवत गीता के बारे में वहां पर श्लोका लिया, और श्लोका भी कालचक्र प्रभु और देवकी प्रभु को पूछेगा, नंबर भी देगा कि कौन सा श्लोका. मैं एक्चुअली आई वाज इतना क्या बोला कॉन्ग्रीगेशन में घुस के डिवोशनल में आया ना, था मैंने नोट नहीं लिखा हुआ था, आई एम सॉरी फ्रॉम माई साइड, बट कालचक्र प्रभु और देवकी प्रभु को और वैष्णव सेवी प्रभु को पूछेगा तो नंबर भी मिलेगा श्लोका का जो महाराज ने जो हॉस्पिटल में लिया भक्ति वेदांत के अंदर. सो दैट ग्रेट इज ए स्पिरिचुअल मास्टर. तो अच्छा, और मेरा वाइफ और एक चीज याद दिला रहा था कि उसी उसके अंदर भी कोई भक्त ने कुछ श्लोका रॉन्ग बोल दिया, ये रेसिटेशन रॉन्ग बोला, तो महाराज ने उनको भी बोला कि बता तू गुस्सा किया और बोला पढ़ो बराबर. उनको लगा कि महाराज सो गया हुआ है, हम लोग को लगा कि महाराज सोया हुआ है, कुछ भी बोल दो. एक्चुअली इट इज नॉट पर्पसली, इज इन अनइंटेंशनली मिस्टेक होता है ना, अपन को डर के बिर के अपन को श्लोक का प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक, महाराज वॉज करेक्टिंग दैट मिस्टेक. सो यू जस्ट सी कि जैसा अर्जुन सोते टाइम भी उनका पोर के अंदर से हर पोर के अंदर से कृष्णा कृष्णा ये जो आ रहा है, तो वॉट वी आर सीइंग इज अर्जुना तो काफी दूर दूर दूर, तो हमारे सामने का बात का हमारे स्पिरिचुअल मास्टर को देखो ना, ये सब एग्जाम्पल जुड़ा हुआ है तार के साथ, कनेक्टेड है, दे आर ऑल कनेक्टेड बिकॉज दे आर ऑल लिविंग एग्जाम्पल. दो हम लोग को ये एग्जाम्पल देख के हमको आगे जाना प्रभु जी. I hope my this thing what I explained yes. is correct. Thank you, Prabhu. And the Manoj Prabhu, in your that next class, we'll talk about that quarrelsome and that which you discuss. We'll discuss in the next class. Thank you. Hare Krishna. किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है? सवर्ण मूर्ति प्रभु जी का कोई प्रश्न है? मैं उनको भी अनम्यूट कर रहा हूँ. स्वर्णमूर्ति प्रभु जी आप भी पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा प्रभु. प्रभु जी बोला था संध्या वंदन करने वाले उन डिवोटी का नाम, उनका नाम क्या है प्रभु अबुधाबी में? प्रभु जी उनका नाम है उनका नाम है विवेक प्रभु. विवेक प्रभु हमारे साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो इज नॉट इनटू कनेक्टेड टू इस्कॉन कांग्रीगेशन के साथ जुड़ा नहीं है, बट सज्जन प्रभु जो हमारा सीनियर डिवोटी है, सज्जन प्रभु उनको पर्सनली जानते हैं अभी, वो इज आई डोंट नो वेयर इज इन अबू धाबी, बट हम लोग उनको हॉस्पिटल में मिलके उनको गया था उनको मिलने के लिए उनके जो ये होने के बाद इंसिडेंट्स, तो वी सॉ दैट ही सो एग्जाल्टेड कि उसने उसका साधना को उसने ये सब लाइव एग्जांपल देखा हुआ है कि उन्होंने उनका संध्या वंदन उनका जो था हॉस्पिटल में रख के उन्होंने किया हुआ था. हाँ
आप सज्जन प्रभु को इसके बारे में वन टू वन पूछिएगा। आप सज्जन प्रभु इसके बारे में आप थोड़ा सज्जन प्रभु को पूछेगा। सज्जन प्रभु वॉज टेलिंग इट इज रियली नॉट पॉसिबल, जब एक आदमी इतना इतना स्थिर होगा डिवोशनल सर्विस में। और उनका वाइफ कभी भी मेरे को बोलता था कि सुबह 4:30 बजे उठता है, 3:30 बजे उठता है। उन लोग का जो बोलते हैं ना, उन लोग अय्यंगार फैमिलीज में, वो जो होता है ना तमिल अय्यंगार फैमिलीज, दे आर बॉर्न वैष्णवाज इन अय्यंगार फैमिलीज, उन लोग का सब एकदम Understand. Thank you, Prabhu, and I'm sorry if I've told wrong. Thank you, Prabhu. Can Sajan Prabhu about it, and Sajan Prabhu will tell the fact because he was with me. We were together. Thank you, Prabhu. I understand, Prabhuji. Very good, fantastic class. Thank you, Prabhu, for the class. Thank you. This is all Maharaj and senior devotees' mercy on me, and you are all blessing. And all the devotees in Rajkot are doing wonderful seva, like Bhavik Prabhu and all the devotees, you know. क्योंकि ये जो क्लास चलने से हमको ऑनलाइन में ऐसा होता है कि we all get also engaged. हम लोग भी engaged हो जाते हैं घर पे बैठ के। नहीं तो what you will do, Prabhu ji? What are you going to do in this time, you know? We cannot go to any shopping mall. Children को लेके नहीं जा सकते, किसी को लेके जा नहीं सकते। So हम लोगों को यही कि this is the only thing that we need to do. And Maharaj is wanting is all children to be in. नाम कोरोना है हमारे लिए सबके लिए, लेकिन बट महाराज एक्चुअली वांट अस टू बी ऑल कनेक्टेड, यू नो, बाय गिविंग आवर टाइम इन दिस प्रोग्राम एंड सिटिंग पीसफुली। एज परीक्षित महाराज 119.5 परीक्षित महाराज सैट इन वन प्लेस। दिस सिटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू हैव अ क्लास प्रभु जी, यू विल सिट इन वन प्लेस, यू विल फोकस इन वन प्लेस, एंड यू विल नॉट स्पेंड योर टाइम एटलीस्ट 1 or 2-3 days, यू विल सिट। So Maharaj, this is actually Maharaj taste and mood that Maharaj is giving to his all children, you know. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. तो अब हम ये लेक्चर के पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव से प्रभु जी की तरफ से राधा दामोदर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने ऋषियों से याचना इस विषय के ऊपर इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम ग्रंथराज की जय। वैष्णव, थैंक यू प्रभु, थैंक यू।